नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे जनपद में किया गया योगाभ्यास। आपको बता दें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 में मनाया गया था। योग दिवस मनाने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2014 में रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक तौर पर शांति व स्वास्थ्य के लिए योगा के महत्व पर बात की थी। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के युद्ध से हुई है, जिसका मतलब होता है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलन। योग लगभग 10,000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी योग और समाधि को प्रदर्शित करती मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हिंदू धर्म में साधु संन्यासियों व योगियों द्वारा योग सभ्यता को शुरू से ही अपनाया गया था, परंतु आम लोगों में इस विधा का विस्तार हुए अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है। बावजूद इसके योग की महिमा और महत्व को जानकर इसे स्वस्थ जीवन शैली हेतु बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है, जिसका प्रमुख कारण है व्यस्त तनावपूर्ण और अस्वस्थ दिनचर्या में इसके सकारात्मक प्रभाव। आज दिनांक 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारी गणों द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड में योग किया गया। योगाचार्य द्वारा सभी को विभिन्न प्रकार के योगासनों का अभ्यास कराया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम उन्नाव में कराया गया योगाभ्यास। इस मौके पर जिला अधिकारी नोडल अधिकारी बी एल मीणा, प्रमुख सचिव उद्यान एवं रेशम विभाग उत्तर प्रदेश शासन एवं मुख्य विकास अधिकारी उन्नाव उपस्थित रहे। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव में भी किया गया योगाभ्यास। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीपुरा उन्नाव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें प्रभारी प्राचार्य रोहित कुमार सिंह राठौर और अन्य सभी स्टाफ सदस्यों ने प्रतिभाग किया। मंडल फतेहपुर 84 के फूलमती माता मंदिर प्रांगण में योग करते हुए मंडल उपाध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह, मंडल महामंत्री राकेश दीक्षित व मंडल के कार्यकर्ता फतेहपुर 84 थाना परिसर में प्रभारी निरीक्षक राजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया योगाभ्यास। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर 84 में अधीक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में किया गया योगाभ्यास। वहीं ब्लॉक कार्यालय में खंड विकास अधिकारी अनिल सिंह के नेतृत्व में किया गया योगाभ्यास। वहीं नगर पंचायत कार्यालय फतेहपुर 84 नगर पंचायत कार्यालय में भी किया गया योगाभ्यास। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भी किया गया योगाभ्यास। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।